नमस्कार, मैं हूँ अमिता, अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं मक्के के पोहे की नमकीन बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल परंतु बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी, करीब 100 ग्राम मक्के का पोहा इस तरह से है, और साथ ही 100 ग्राम मूंगफली के दाना और 50 ग्राम मोटा पोहा। साथ ही इस तलने के बाद इसके अंदर स्प्रिंकल करके मसाला जो हम डालेंगे उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से, और आवश्यकता के अनुसार तलने के लिए तेल। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम मक्के के पोहे की नमकीन बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन करके इसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी हूँ और साथ ही इसमें सफिशियंट मात्रा में तेल डाल दी हूँ, ताकि जो है हम अच्छी तरह से इस पोहे को तल सकें। देखिए इसमें धुआं भी उड़ने लगा, अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है एकदम सिम कर दी हूँ। अब जो है सबसे पहले जो है हम इसके अंदर पोहा जो है जो हमारा राइस पोहा है उसे हम डालकर इसके अंदर पहले फ्राई कर लेंगे। देखिए कैसे एकदम अच्छा सा फूल गया जो है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम तेल नहीं डालेंगे, बस थोड़े सा तेल जब डालेंगे ताकि जो है ये बहुत अच्छी तरह से, देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फूल गया। अब मैं जो है इसे एक प्लेट में जो है निकाल लेती हूँ। तेल जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमारा बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से ये राइस का जो है पोहा जो है मोटा पोहा वो तलकर तैयार हो गया है। अब जो है ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तल गया है। मैं इसे एक अलग जगह में रख देती हूँ। साथ ही अब मैं सबसे पहले जो है मूंगफली का जो है बीज जो है डाल लेती हूँ और इसे भी हम तलेंगे। तेल बहुत गर्म था इसलिए पहले मैंने पोहा को तल लिया। और इसी तरह से जैसे ही ये मूंगफली जो है हमारी देखिए चटकने लगी, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो गया है, अंदर से ये देखिए पिंक पिंक हो गया है, डार्क हल्का ब्राउन जो है। इसे हम निकाल लेंगे, ज़्यादा तलेंगे नहीं तो जल जाएगा ये। इस तरह से हम सब इसको निकाल लेंगे। ये हमारी मूंगफली भी तल कर तैयार हो गई। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली जो है रेसिपी है, फटाफट जो है आप इसे बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो है जाली में नहीं डालकर जो है मैं इसको डायरेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा करके डालकर जो है तलूंगी मैं इसको पोहे को। हम गैस का फ्लेम जो है थोड़ा तेज कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ज़्यादा तेल, पूरी कढ़ाई भर तेल डालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल जो है हम इसमें डालेंगे। और इसे भी इस तरह से मैं साइड में इसको रख देती हूँ। अब ये भी तल कर तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से तलने से कम तेल की आवश्यकता होती है, और फिर हम इसको जो है एक पेपर में जो है डाल कर रख देंगे, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये, अब इसे फटाफट हम इसको निकालते जाएंगे। इसी तरह जो है हम सारे जो है इसको डालकर जो है तल लेंगे। दो तीन जो है बैच में डालकर हम इसे निकाल लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी तरह से
बहुत ही टेस्टी जो है नमकीन इसका बनती है। और आप जब इसे एयर टाइट कंटेनर में या किसी प्लास्टिक में बांध कर जो है इसे रखेंगे तो आप इसे 2 महीने तक ही जो है 2 महीना या उससे अधिक भी जो है इसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें सीलन नहीं आता और साथ ही जो है टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे फ्रेश आप अभी बना कर रखेंगे उसी तरह से ये बाद में भी फ्रेश रहेगा। इसी तरह से ये हम इसे भी निकाल लेंगे इस तरह से। अब जो है मैं गैस जो है बंद कर देती हूँ और इसे हटा देती हूँ और इसकी जगह मैं ये देखिए हमारा जो पोहा हमने तले हैं मक्के का पोहा उसे भी हम इसके अंदर निकाल देंगे। अब जो है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ठंडा जैसे हो जाएगा तो फिर हम सारी जितनी भी चीजें जो है हमने इसको तल कर तैयार की हैं वो सबको मिक्स करेंगे। आइए अब हम सब तले हुए सामान को मिलाकर जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले जो है मैं ये मक्के का पोहा डालूंगी। साथ ही मूंगफली और मोटा पोहा जो है इसे हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें नमक स्वाद के हिसाब से आप डालिए इसके अंदर जो है लाल मिर्च हम हल्दी वगैरह किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल इसको बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से तीखा जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले में चाट मसाला भी जो है हम डाले हैं उसमें नमक रहता है इसलिए आप जब भी नमक डालें तो थोड़ा सा कम मात्रा में नमक डालें। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर जो है मक्के के पोहे की नमकीन जो है एकदम जो है क्विक रेसिपी है बनकर तैयार है। इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा है। ठंडे होने के बाद जो है आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए, नहीं तो प्लास्टिक में डाल कर रखिए। ये पूरे 2 महीने तक जो है पूरा फ्रेश और क्रंची रहता है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है और क्विक रेसिपी है। इसे हम हटा लेंगे। ये हमारे मक्के के पोहे की झटपट नमकीन बनकर तैयार है जो बहुत ही टेस्टी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर से जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने डाली हैं उसमें जाकर विजिट कीजिए और अवश्य खरीदिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।